Mr. D.N. Manik. He belongs to Pune district, transferred from Latur to Satara. Madam Madhuri Puranik, music teacher. She is teaching right from 6th to 10th. She is basically from Buldhara district of Vidarbha area of Maharashtra. And she is also associate house mistress. And she is the in charge of co-curricular activities. So today, we will learn practical geometry, the last chapter. Practical geometry, in which we will learn geometrical constructions. Geometrical constructions. By using or by using mirrors, can you tell how you can see the image of the traffic followed by you or your vehicle? Another term is used like blue left hand side. Now I think it is very clear for you. Dear students, we can see. Operating activity, investing activity, financing activity. So operating activity is here, investing activity is here. आपल्या लायब्ररी मध्ये स्वागत आहे. आपल्या लायब्ररीचे स्टॅटिस्टिक्स इथे पूर्ण टोटल लिहिलेले आहे. लायब्ररी कलेक्शन टोटल बुक्स आहेत 6271, टोटल मॅगझिन 24, टोटल न्यूजपेपर 15, एज्युकेशनल सी डी 26, इन्व्हेस्ट पब्लिकेशन 100 अँड स्क्रॅप बुक 6. ई बुक्स 1310. नए जो किताब आ रहे हैं वो पूरे के पूरे यहाँ पे डिस्प्ले कर किया जाते हैं. ये किताबें बच्चे देखने के लिए दिए हैं. सभी अलमारियाँ जो जो किताबें उसके अंदर रहते हैं, जैसे बायोग्राफी की पूरी अलमीरा है, बायोग्राफी इसमें रहेगी. यहाँ गिफ्ट बुक की रखी हुई है. क्योंकि इस साल के जो बजट में से ये जो किताबें है, नए किताबें, ये अभी परचेज किए हुए, अभी प्रोसेसिंग में चल रहे हैं, इसीलिए इसको स्टिकर नहीं है. ये बाकी सभी किताबें के ऊपर मैं विद्यालय का एनसीसी इंचार्ज भी हूँ. और हमारे विद्यालय में 2017 में एनसीसी विभाग शुरू हुआ. 5 महाराष्ट्र बटालियन एनसीसी सतारा द्वारा हमें मान्यता मिली है. और 25 कैडेट सीनियर के, 25 कैडेट जूनियर के हमारे विद्यालय में प्रशिक्षण पा रहे हैं. और लगभग 15 बच्चे एनसीसी ए सर्टिफिकेट पास हुए हैं. हमारे विद्यालय में लगभग प्रतिवर्ष 500 बच्चे एनडीए एग्जाम के लिए जाते हैं. हमारे विद्यालय में हिंदी विभाग की ओर से अलग अलग राष्ट्रभाषा प्रचार समिति के द्वारा एग्ज़ाम ली जाती है. तो ये बच्चों के एग्ज़ाम हैं और बच्चे अलग अलग एग्ज़ाम में. इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर इज तहसीलदार. तहसीलदार हु इज अ गवर्नमेंट ऑफिशियल एंड हु केम इन द विलेज, हु केम इन द विलेज to inaugurate the primary school. Elastic behavior. Clear? So what is the meaning of elastic? We think about कि ठीक है रबर है, stretchable है, ठीक है. अभी आपने example दिया बैलून का. नमस्कार, मैं प्रशांत हरदास, कला शिक्षक, जवाहर मध्य विद्यालय सतारा. मैं गत 4 वर्ष से यहाँ कार्यरत हूँ. तो सबसे पहले हम सिलेबस की बात करेंगे. बच्चों को जो CBSE द्वारा अल्टरनेटिव सिलेबस मिलता है, उसके अलावा हम यहाँ पे सिलेबस के अनुसार बच्चों को टीचिंग लेसन्स बनाते हैं. हमको इस लॉकडाउन पीरियड में ऑनलाइन क्लासेस के लिए केवल एक ही पीरियड मिला है हर क्लास के लिए. तो वो क्लासेस है 6, 7 और 8, जबकि 9th और 10th के लिए अभी तक क्लासेस नहीं मिले हैं. इसमें अलग अलग एक्टिविटीज़ होती है, उसके बैनर्स हैं. ये बैनर्स को हम प्रोग्राम में लगाते हैं. तो एक बार हमने अगर बैनर बना ले, जैसा एनुअल डे का एक बैनर है या NCST का एक बैनर है, शिक्षक दिवस का एक बैनर है, तो इसके हम इसी बैनर को हम बार बार हमारे बैनर स्टैंड के ऊपर हम लगा के बैकग्राउंड में डिस्प्ले करते हैं.
We have two mess helpers. This is our mess. उसमें जो पेंटिंग्स है वॉल पेंटिंग्स, ये हमारे 11 गर्ल्स स्टूडेंट्स और 11 बॉयज स्टूडेंट्स, इन लोगों ने हमारा एक नाम यहाँ लिखे हैं। यहाँ हमारे वॉश बेसिन है, बच्चे यहाँ वॉशिंग करते हैं। हमारे आरओ चालू है, आरओ में भी ड्रिंकिंग वाटर प्योर आरओ। यह हमारे काउंटर है, यहाँ से खाना सर्व होता है। और यह अभी सबसे इम्पोर्टेंट सेक्शन जहाँ कुकिंग होता है, ये चक्की है, आटा यहाँ तैयार किया जाता है। और ये हमारे स्कूल का टीचर है। वेलकम टू द सैमसंग स्मार्ट क्लासरूम। सैमसंग क्लास स्मार्ट रूम मध्ये जवळपास आता सध्या एक 40+1 लैपटॉप आहे। गुड मॉर्निंग सर, मैम, वेलकम टू केमिस्ट्री लैब। मैम, मेरा नाम संदीप सिंह है, मैं पीजीटी केमिस्ट्री जीएनवी सतारा। मैंने अभी रिसेंटली ज्वाइन किया ऑन 27th of August 2020। और ये वेलकम टू केमिस्ट्री लैब। जो हमारी केमिस्ट्री लैब है, इसमें एक बैच में 24 स्टूडेंट्स एक साथ प्रैक्टिकल लैब प्रैक्टिकल परफॉर्म कर सकते हैं। द म्यूजियम ऑफ जेनी सतारा, तर बरेचसे मुलांनी त्याच्यामध्ये कॉन्ट्रीब्यूशन केलं आहे। Like a potentiometer, we have done completed the internal resistance of a cell and to find the area of a parallelogram. Namaskar, मी साळुंग केमियन SUPW टीचर आणि सध्या या कॅम्प्युटर लॅबचा इनचार्ज। सध्या या कॅम्प्युटर लॅबमध्ये 21 कॅम्प्युटर आहेत, त्यापैकी 14 कॅम्प्युटर वर्किंग कंडिशनमध्ये आहेत आणि 7 कॅम्प्युटर अनसर्व्हिसेबलमध्ये आहेत। टोटल कॅम्प्युटर या लॅबमध्ये 37 आहेत, 37 आहेत, त्यापैकी 16 कॅम्प्युटर हे वेगवेगळ्या डिपार्टमेंटला दिलेले आहेत। मी कॅम्प्युटर इन्चार्ज, त्याचबरोबर इलेक्ट्रिसिटी आणि वॉटर याचा इन्चार्ज आहे, जनरेटरचा इन्चार्ज आहे, M&R कमिटीचा एक मेंबर आहे। SUPW या विषयाअंतर्गत मी जे मला ऑनलाईन 7वी, 7वी आणि 8वी हे 3 वर्ग शिकवण्यासाठी दिलेले आहे। काही मुलं काउन्सिलिंग मध्ये काही प्रॉब्लेम असतो, ते येतात माझ्याकडे, त्यांच्यासाठी हे काउन्सिलिंग म्हणून हे काउन्सिलिंगचं पण रेकॉर्ड ठेवलं आहे। नमस्कार, लड़कियों के स्पोर्ट रूम में सभी का स्वागत है। तो पहले इधर देखिए कितना एक कबर्ड है। इस कबर्ड में ये पूरा बैंड का सामान है। ऊपर नवोदय विद्यालय सातारा के जिम में यहाँ सभी का स्वागत है। ये जिम्नेशियम हॉल है और यहाँ पर छात्र छात्राएं अलग अलग बेंच में एक्सरसाइज करते हैं।
नमस्ते, मैं श्रीराम सिरसाट, पीईटी जेएनबी सतारा। तो मैं यहाँ पर 4 साल से यहाँ पर काम कर रहा हूँ पीईटी के पद पर, और उसके पहले मैं जेएनबी नासिक में 22 साल तक काम किया हूँ। ये स्पोर्ट्स का सामान है, यहाँ पर बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, फुटबॉल, हैंडबॉल, क्रिकेट बैट। गुड आफ्टरनून मैडम, ऑन बिहाफ ऑफ जेएनवी सातारा आई एम डीओ मिस्त्री वर्किंग एज ए ऑफिस सुपरिटेंडेंट हियर। वेलकम टू यू जेएनवी सातारा एट द टाइम ऑफ कंडक्टिंग पैनल इंस्पेक्शन। मिस्टर आर आर कुलकर्णी वर्किंग एज ए यूडीसी रिसेंटली जॉइंट हियर। शोभा वोकट वर्किंग एज ए एलडीसी। मिस्टर वाघमारे वर्किंग एज ए स्टोर कीपर एंड मिस्टर जमील शेख वर्किंग एज ए एलडीसी